अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास पास कंटिन्यूस का, और यहाँ बेटा इसको आप पास प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, हर एक ही बात है। बेटा ये हमारे पास एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस काफ़ी आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है। दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर्ड। वॉज इस्तेमाल करेंगे हम आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी स्ट्रक्चर में भी कोई खास चेंज नहीं है। तो बेटा इसकी पहले हम आपको जो है दो हम आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस बनवा देते हैं ताकि बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, ज़रा देखते हैं। हमारे शाफेन बेटा तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा उसका, अभी जो हमने पास्ट का बताया बेटा, अभी जो पास्ट के स्ट्रक्चर दिखाया था बेटा तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि तुम्हारा मिस हो गया था ये। अरे हाथ धो गई, ये लो स्क्रीनशॉट लो बेटा, ये मैंने अभी तुम्हारे आने से पहले ये नोट डाउन करवाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ मेरे बच्चों बेटा, अब हमारे पास जो है सेंटेंस आ रहा है। मैं किताब पढ़ रहा था, बहुत मैं आसान सेंटेंस दे रहा हूँ क्योंकि बेटा हमारे पास जो है हमने बेसिकली इसके बाद हमने जाना है उस पर, कंडीशनल सेंटेंस पे भी जाना है। सो बेटा ये हम ज़रा बाद में करेंगे, सही है ना? अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हमारे पास मैं खुद ही माइक तुम लोगों के अलाउ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कर लेना। अनुषा बेटा माइक पर आओ, खुद ऑन कर लो बेटा अपना माइक। जी सर। बेटा पास्ट के दोनों आप बताओ, फिर बाकी मैं फ्यूचर के शाफन से पूछ लूंगा। मुझे बताओ मैं किताब पढ़ रहा था बेटा, क्या बनेगा इसका सेंटेंस? आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ओके बाकी बताओ। वॉज आई रीडिंग अ बुक। वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये अगला सेंटेंस देखो बेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास। क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा था? साफ को क्लीन या टाइडी? बेटा क्लीन यूज करो यहाँ पर, बताओ क्या आएगा? Was he cleaning his room? ठीक है, अफर्मेटिव बनाओ। He was cleaning his room. नेगेटिव He was not cleaning his room. और इंट्रो नेगेटिव। Was he not cleaning his room? शाबाश, ठीक है मेरे बच्चों, जरा पहले यहाँ तक कर लो, फिर मैं आपको जरा पास्ट के सेंटेंसेस दिखाऊंगा, फिर इसी तरह से मैंने फ्यूचर का भी करना है, और उसके भी सेंटेंसेस दिखाने के बाद मैं आप लोगों को जो है फिर आंसर्स भी टैली करवा दूंगा, प्रीवियस हमारे पास जो हम लोगों ने टेंसेस पढ़े। बेटा जल्दी करो, ठीक है। अब मेरे बच्चों बेटा ज़रा तुम लोग जो है ये वाले सेंटेंसेस नोट डाउन करो, फिर मुझे दोबारा से बताओ। ये तुम लोगों को मैंने सेंटेंस बताने के लिए दिए, पहले ये करो सावा जल्दी से।
अरे नहीं नहीं सिर्फ नोट करो, अभी मैंने फ्यूचर के भी लिखवाने ना, फ्यूचर का भी करवाएंगे, अभी सिर्फ नोट कर लो, आंसर्स बाद में करना वरना तो टाइम ही निकल जाएगा सारा। सिर्फ सेंटेंस नोट करो मेरा बच्चा। ठीक है, अब मेरे बच्चों इसी तरह से बेटा आपसे पूछते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर के माप पे आते हैं बेटा। फ्यूचर का मेरे बच्चों स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है, लेकिन बेटा इसके ज़रा हम प्रैक्टिस करते हैं अपने सेंटेंसेस की। शाफेन बेटा ज़रा माइक पर आओ। शाफेन जी सर, मेरा बच्चा ज़रा देखो ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं अगले साल लाहौर जा रहा हूँगा। तो बेटा बताओ उसका क्या बनेगा टेंस हमारे पास। आई विल बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। विल आई बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा। विल आई नॉट बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, आप ज़रा मुझे बताओ नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है हमारे पास। सर शोर नहीं हो रहा एक मिनट को, अब आ गया, जी। सर बोलो क्या है, क्या तुम इबादत कर रहे होगे? बताओ बेटा क्या बनेगा इसका। विल यू बी प्रेइंग? ठीक है, नेगेटिव, विल सॉरी यू नॉट बी प्रेइंग? सॉरी, मेरा मतलब अफर्मेटिव बनाओ, उसके बाद क्या बनेगा। यू विल बी प्रेइंग, विल यू बी प्रेइंग, यू विल बी प्रेइंग, ओके, नेगेटिव क्या बनेगा। यू विल नॉट बी प्रेइंग, ओके, इंटर नेगेटिव क्या बनेगा बेटा। विल यू नॉट बी प्रेइंग? शाबाश, ठीक है मेरे बच्चों, बेटा पहले ये बात नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को फ्यूचर के सेंटेंस दिखवाने के बाद तुम लोगों को मैं आंसर्स भी टैली कर लूँगा। आंसर्स टैली करवाने हैं पिछले के बेटा, पहले यहाँ तक मेरे बच्चों ज़रा कर लो, शाबाश जल्दी से।
हाँ भाई कर लिए, शाफिंग बेटा नोट डाउन कर लिया मेरा बच्चा, ये हो गया सॉल्व। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, जरा बेटा जल्दी से तुम लोग जरा ये वाला उतार लो, ये वाले हमारे पास फ्यूचर के टेंसेस हैं बेटा, क्योंकि उसके बाद मुझे आंसर्स भी टैली करवाने हैं, तो फिर टाइम वरना फिर खत्म ना हो जाए, जल्दी से करो मेरे बच्चों यहाँ तक। चलो मेरे बच्चों, बेटा मैं आपको जो है अब दिखा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनेट, और मेरे बच्चों जरा जो हमारे पास प्रेजेंट करनी है उसके आंसर दिखा रहा हूँ, सारे के सारे बेटा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अच्छा बेटा हम लोगों ने जो है यहाँ तक किया था, ये वाले हमारे पास सेंटेंसेस थे फ्यूचर इंडेफिनेट के, सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस था हम तुम्हारा साथ देंगे, इसका बना था वी विल सपोर्ट यू, वी विल नॉट सपोर्ट यू, विल बी सपोर्ट यू, विल बी नॉट सपोर्ट यू। अच्छा बेटा हमारे पास साथ देने के लिए ये बोलते हैं बैक समवन अप भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप बनाना चाहो, अगर आप ये बनाया है कि वी विल बैक यू अप तो ये भी चलेगा, ठीक है। क्या वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे, विल दे नॉट टीच मी, दे विल टीच मी, दे विल नॉट टीच मी, और विल दे नॉट टीच मी। 10 तक काउंट करो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट है वो आज रात खाना नहीं पकाएगी तो क्या बनेगा, शी विल नॉट कुक फूड टू नाइट। फूड बेटा ब्रैकेट में लिखने की वजह ये है कि आप फूड लिखो ना लिखो एक ही बात है, सही है ना, कुक भी लिखोगे तभी, तब भी उसका मतलब खाने पकाने की ही बात हो रही है। शी विल कुक फूड टू नाइट, विल शी कुक फूड टू नाइट, विल शी नॉट कुक फूड टू नाइट। क्या अली अपने घर वालों की देखभाल करेगा, इसका बनेगा विल अली लुक आफ्टर हिज फैमिली, या फिर टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। टेक केयर के आगे ऑफ लाजमी लगाना, अली विल लुक आफ्टर हिज फैमिली, अली विल नॉट लुक आफ्टर हिज फैमिली, और विल अली नॉट लुक आफ्टर हिज फैमिली। 10 तक काउंट करो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे आ जाओ मेरे बेटा,
क्या तुम इस साल नया मोबाइल नहीं खरीदोगे? तो उसका क्या बनेगा, विल यू नॉट बाय आ न्यू मोबाइल दिस ईयर, यू विल बाय आ न्यू मोबाइल दिस ईयर, यू विल नॉट बाय आ न्यू मोबाइल दिस ईयर, और विल यू नॉट बाय आ न्यू मोबाइल दिस ईयर? वो गरीबों की मदद करेगी, शी विल हेल्प द पुअर, शी विल नॉट हेल्प द पुअर, विल शी हेल्प द पुअर, विल शी नॉट हेल्प द पुअर? टेंथ तक काउंट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बेटा इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस शुरू हुआ था। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर ये दो सेंटेंस करने के लिए दिए थे, मतलब करवाए थे क्लास में ही, और बेटा उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये वाले सेंटेंस करने के लिए दिए थे कि मतलब कि अच्छा सिर्फ चार नहीं दिए थे, चार मैंने आगे भी दिए थे। आप में से जिसने वो क्लास ली थी या लेक्चर सुना था, आपको पता होगा बेटा कि हमने कहा था कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस नॉर्मली दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो बेटा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को लाइक पता हो, मतलब कि सपोज जिसे हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेजेंट के सेंस बताने के लिए या फिर फ्यूचर सेंस में बताने के लिए। तो बेटा मैं दोनों के आंसर बता रहा हूँ, जरा चेक करो अपने पास। पहला है हमारे पास, हम लाहौर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू लाहौर, वी आर नॉट गोइंग टू लाहौर, आर वी गोइंग टू लाहौर, आर वी नॉट गोइंग टू लाहौर। क्या वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका क्या बनेगा, आर दे टीचिंग हेयर, दे आर टीचिंग हेयर, दे आर नॉट टीचिंग हेयर, आर दे नॉट टीचिंग हेयर। मेरे बच्चों अब जरा मैं काउंट कर रहा हूँ टेन तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट पे आ जाओ, वो मेरी मदद नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, शी इज़ हेल्पिंग मी, इज़ शी हेल्पिंग मी, इज़ शी नॉट हेल्पिंग मी। अली पौधों को पानी दे रहा है, अली इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, अली इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, इज़ अली वाटरिंग द प्लांट्स, इज़ अली नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। टेन तक काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मेरे बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है कि मैं अगले महीने नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो ये हमारे पास फ्यूचर सेंस में हमने आपको ये वाला सेंटेंस करवाया था कि देखो ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही, लेकिन इसका एक्शन होगा कब, फ्यूचर में। और बेटा इसके बाद हमने आपको फिर ये वाले सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस इन फ्यूचर सेंस के, कि मैं आज रात दोस्तों से मिल रहा हूँ। तो हमारे पास हमने भी क्या बनाया था, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुनाइट, आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स टुनाइट, एम आई मीटिंग माई फ्रेंड्स टुनाइट, एम आई नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स टुनाइट। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो इस हफ्ते क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बनेगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। दिस सैटरडे भी सही है और वीक भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का मतलब दोनों निकल रहे हैं। He is playing cricket this Saturday. He is not playing cricket this Saturday. Is he not playing cricket this Saturday? Can they count करो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो आज रात बिरयानी पका रही है, she is cooking biryani tonight. She is not cooking biryani tonight. Is she cooking biryani tonight? Is she not cooking biryani tonight? क्या वो अगले साल यहाँ आ रहे हैं, are they coming here next year? They are coming here next year. They are not coming here next year. Are they not coming here next year? Oh, beta, ye aakhri hamare paas tha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haan bhai, jisne last lecture liya tha aur ye complete kar liya tha, kitni mistakes aayi hain? All clear hai kya nahi? Ye bhi saath saath batao. Theek hai beta, shabash Anusha, mera bachcha good. To mere bachcho beta, ye hamare paas sentence khatam hua. मुझे दरअसल एक और एक्सरसाइज देनी थी, लेकिन वो किस तरह की एक्सरसाइज है वो तुम लोगों को फिर ये होगा नेक्स्ट टाइम क्लास में, जब कोई छोटी सी क्लास होगी ना, जो भी छोटी सी क्लास होगी उसके साथ टेंसेस की एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, तो वो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, उसकी परेशानी की बात नहीं है। बट बेटा आज के लिए इतना ही, लेकिन इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सही है मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।